नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं पनीर पसंदा। तो पनीर पसंदा बनाने के लिए सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ हमें क्या क्या सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हमें चाहिए पनीर। यहाँ मैंने करीब ये 8 लोगों के हिसाब से बना रही हूँ मैं, तो मैंने 500 ग्राम पनीर लिया है, लेकिन अगर आप 200 ग्राम 250 ग्राम भी लेंगे तो 4 लोगों के लिए काफ़ी रहेगा। तो पनीर को मैंने इस तरीके से पतले पतले ट्रायंगल्स में काट के उनके बीच में इस तरीके से उनको स्लाइस कर रखा है, बीच में से एंड में से ही जुड़े हुए हैं। तो आप इस तरीके से पनीर को काट के रख लीजिए। उसके बाद में इसके अंदर स्टफिंग जो जाएगी उसके लिए मैंने लिया है थोड़ी सी अदरक, थोड़ा सा लहसुन, मिर्ची और हरा धनिया, और साथ ही में इसमें हम थोड़ा सा ग्रेटेड पनीर भी डालेंगे इसकी स्टफिंग बनाने के लिए। उसके बाद में हमें चाहिए टमाटो प्योरी। ये मैंने 4 टमाटर की टमाटो प्योरी बना के तैयार कर ली है, और साथ ही मैंने ये प्याज, अदरक, लहसुन और थोड़ी सी हरी मिर्च, 2 हरी मिर्च मैंने डाली है इसमें। इसका मैंने एक बारीक पेस्ट बना के तैयार कर लिया है। खड़े मसालों में हमें चाहिएगा थोड़ा सा तेज़पत्ता, थोड़ा सा दालचीनी या सिनेमन, मैंने 3 लौंग ली हैं और 5-7 काली मिर्च के दाने लिए हैं। उसके अलावा हम इसमें एक और चीज़ जो डालेंगे वो है थोड़ा सा भुना हुआ बेसन। ये बेसन मैंने तवे पे थोड़ा सा इसको ड्राई रोस्ट कर लिया है, तो आप ये पहले से भून के रख लीजिए, ये कई रेसिपीज़ में काम आता है। तो मैंने इसमें करीब 2 चम्मच भुना हुआ बेसन लिया है, और बाकी जो मसाले लगेंगे मैं आपको बताती जाऊंगी। सबसे पहले हमें क्या करना है, धनिया, अदरक और इसका जो हमने मैंने रेसिपी दिखाई थी आपको पहले, इंग्रेडिएंट्स दिखाए थे, उनका एक पेस्ट तैयार कर लेना है। तो पेस्ट बनाने के लिए मैं इन सबको एक मिक्सर में डाल के, जार में डाल के, और इनका एक बारीक पेस्ट बनाने वाली हूँ। ये एक मैंने पैन ले लिया है, इसी पैन में मैंने बेसन भुना था, तो मैं इसी को अभी यूज़ करने वाली हूँ आगे। अब मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल डालूंगी, ये मैंने इसमें करीब 2 चम्मच ऑयल डाल लिया है, और ये जो मैंने पेस्ट बनाया था, अब इस पेस्ट को इसके अंदर मैं भून लूंगी। ये करीब मुझे 5 मिनट तक भूनना होगा इसके अंदर, और फिर ये अच्छी कंसिस्टेंसी का, ये इसमें जो अदरक और लहसुन है वो घुल जाएगा और थोड़ी सी कंसिस्टेंसी भी गाढ़ी हो जाएगी, वो मैं आपको दिखाती हूँ। अब मैं इसके अंदर थोड़े से मसाले डाल दूंगी इसको भूनते टाइम। इससे पहले मैं थोड़ा सा नमक डालने वाली हूँ। नमक मैंने इसमें ज़रा सा नमक डाला है, क्योंकि बहुत ही रिड्यूस होगी, बहुत ही कम स्टफिंग बन जाएगी, तो इसमें बहुत ही आधा कुछ नमक टाइम आपको डालना है। उसके बाद में मैं इसमें थोड़ा सा डालूंगी हल्दी पाउडर, थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ इसमें कश्मीरी मिर्च, थोड़ा सा ही जाएगा इसमें, 1 चम्मच करीब धनिया। अब आप देखें सी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है। देखिए एकदम ऐसी कंसिस्टेंसी का एकदम तैयार हो गया, एकदम गाढ़ा, और इसको हम स्टफिंग के लिए यूज करेंगे। ये हमारी स्टफिंग के लिए ग्रेवी एकदम रेडी हो चुकी है, आप इसकी कंसिस्टेंसी देख रहे हैं, एकदम बहुत थिक कंसिस्टेंसी की बनी है। अब मैं इसे फाइनल टच करने के लिए थोड़ा सा मैंने ग्रेटेड पनीर बचा लिया था, इसको मैं और इसमें डाल दूंगी बस, और ये एकदम रेडी है। अब मैं इसको जो पनीर है हमारा इसमें स्टफ करने वाली हूँ, थोड़ा सा मिक्स करके ये स्टफिंग एकदम रेडी हो गई। अब इनको हम स्टफ कर लेंगे। स्टफ करने के लिए मैं ये बहुत ही डेलिकेट रहेगा ये, तो इसको बहुत ही हमें आराम से इसको स्टफ करना है, और इस तरीके से लेके एक पनीर के स्लाइस को, और मैं उसके अंदर एक सैंडविच जैसे हम बनाते हैं वैसे हमें पतली सी लेयर लगानी है।
तरीके से हम ये एक लेयर लगा देंगे इसके अंदर। ऐसे ही हम इसी तरीके से हम सारे स्लाइसेस को फिल कर लेंगे, जैसे हम सैंडविच में पत्ती से एक लेयर लगाते हैं स्टफिंग की, उस तरीके से हमें इनको स्टफ करना है। टूट जाता है तो कोई इतना डरने की बात नहीं, आप उसको वापस चिपका के रख दीजिए। इसी तरीके से मैं अब इन सबको स्टफ करके तैयार कर लूँ। ये मैंने तवा ले लिया है और मैं इसमें हल्का सा तेल डालने वाली हूँ और मैं इनको बहुत स्लाइटली इनको सेकने वाली हूँ। दोनों तरफ से सेक दीजिए और ये जब ब्राउन हो जाए दोनों तरफ से तब इनको हम बाहर निकालेंगे। देखिए दोनों तरफ से ब्राउन हो गया था, मैंने इसको निकाल लिया है और मैं इसको निकाल के वापस अपनी प्लेट में रख दूंगी। अभी ये देखिए दोनों तरफ से बहुत बढ़िया से सेक गए हैं। अब मैं सेम बची हुई के साथ ही करूंगी, उनको हल्का सा तेल डाल के फ्राई कर लूंगी। ये देखिए मेरे सारे जो पनीर मैंने ये क्यूब्स थे, ये स्लाइसेस थे, ट्रायंगल्स, ये सब फ्राई होके मैंने हल्के से तवे पे इनको फ्राई करके मैं इनको साइड में रखने वाली हूँ। और अब मैं फाइनल ग्रेवी बनाने जा रही हूँ। ग्रेवी के लिए मैंने ये पैन लिया है, पैन को मैं रख देती हूँ अपने स्टोव पे और गैस कर देती हूँ ऑन। और सबसे पहले मैं इसमें ऑयल डालने वाली हूँ। ऑयल में अभी इसमें कंजूसी मत कीजिएगा ऑयल में, क्योंकि ये जो रेसिपी है इसमें ऑयल अच्छे से डाला जाता है तो ये बहुत ही टेस्टी बनती है। तो जैसे आप रेगुलर एक सब्जी का जो ऑयल डालते हैं उसकी जगह आप ऑलमोस्ट डबल ऑयल डाल दीजिए, यानी कि दो सब्जी के बराबर इसमें हम ऑयल डालेंगे। तो ये मैंने इसमें अच्छे से ऑयल डाल दिया है। अब ये जीरा गरम, तेल गरम हो गया है, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा। जीरा डालने के बाद इसमें हम डाल देंगे जो हमने सारे खड़े मसाले लिए थे, वो सब डाल देंगे हम इसके अंदर। जो पत्ता है थोड़ा सा ब्राउन होने लग गया, इसका मतलब मसाले लगभग भून गए हैं। अब मैं इसमें डालने वाली हूँ मेरा सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट है वो है, ये मैं इसके अंदर प्याज डाल, मैंने पेस्ट बनाया था प्याज का, लहसुन का और अदरक का, वो मैं इसमें डालने वाली हूँ। इसको हमें थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है, जिससे कि प्याज का जो कच्चा पन है वो एकदम खत्म हो जाए। अब जब ये पक रहा है मैं इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल देती हूँ ताकि हमारी हल्दी भी साथ साथ पक जाए, और थोड़ा सा नमक, जो कि इसको नमक थोड़ा सा डालने से ये जो कुकिंग है थोड़ी फास्ट हो जाती है, कुकिंग टाइम कम हो जाता है। तो मैं इसमें जो एक चम्मच नमक जो मैं डालूंगी वो अभी डाल देती हूँ। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। अभी जो मेरे प्याज है एकदम पक चुके हैं, क्योंकि मैंने व्हाइट अनियन लिए थे, थोड़े से ग्रीनिश ब्राउनिश हो गए हैं कलर में। लेकिन अगर आप जो अपने अनियन होते हैं रेड वाले, अगर रेड अनियन लेंगे आप तो वो ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाएंगे।
अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा टमाटर। टमाटर जैसे मैंने आपको पहले बताया, टमाटर कभी भी एक साथ मत डालिए क्योंकि फिर उछलने लगेगा। तो टमाटर इसमें हमेशा मैं पार्ट्स में डालती हूँ, दो दो चम्मच करके, और उसको मिक्स करते जाइए। तो मैं पहले ये मैं इसमें टमाटर डाल दूँ इसको। अगर मैं पूरा बाउल एक साथ डाल दूँगी तो पूरा टमाटर उछलने लगेगा, जो कि पूरा किचन गंदा कर देगा। मैं बचे हुए जो आखिरी टमाटर के 3 चम्मच मैं इसमें डाल दूँगी। टमाटर को हम जब तक के तेल ना छोड़ दे तब तक हम पकाएंगे। अब आप देखते हैं कि इसमें हल्का हल्का जो है तेल ऊपर आने लगा है, लेकिन फिर भी अब इसको और पकने की जरूरत है। इसी टाइम मैं इसमें बचे हुए मसाले डाल दूंगी। तो मैं थोड़ी सी इसमें डालने वाली हूँ कश्मीरी मिर्च। मैं लाल मिर्च अवॉइड करती हूँ ताकि ज़्यादा तीखा ना हो, बच्चे भी इसको खा सकते हैं अगर आप इसमें कश्मीरी मिर्च डालेंगे तो। और कश्मीरी मिर्च के साथ साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा अमचूर डालने वाली हूँ, करीब 1 छोटी चम्मच। और आप इसमें गरम मसाला डाल सकते हैं, लेकिन मैं किचन किंग यूज़ करती हूँ मोस्टली, तो मैं इसमें किचन किंग डालने वाली हूँ 1 चम्मच। धनिया करी मैंने 2 चम्मच करी मैंने इसमें धनिया डाला। मसाले आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, ऐसा कोई आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा मसाले। अब हमने जो स्टफिंग के लिए जो हमने यूज़ किया था थोड़ा सा मसाला, वो जो बच गया था वो अब हम इसमें डाल देंगे, क्योंकि ऑलरेडी पका हुआ है ये मसाला, तो हमें इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। अब ये जो मसाला है बहुत बढ़िया से भुन चुका है और साथ साथ तेल भी छोड़ने लगा, आप देखेंगे तो कॉर्नर से इसमें से तेल निकल रहा है। तो अब जो हमारा फाइनल इंग्रेडिएंट है वो है भुनावा बेसन, जो मैं इसमें एकदम एंड में डालूंगी और इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। वापस से बेसन डालने के बाद मैंने इसको भुना है करीब 2-3 मिनट तक, और इसने वापस से अब तेल छोड़ना शुरू कर दिया, यानी एकदम पानी डालने के लिए रेडी है। अब आप इसमें गर्म पानी करके इसमें डालेंगे, ठंडा भी डाल सकते हैं पानी में, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर गर्म पानी डाल देंगे तो हमारी ग्रेवी जल्दी बन जाएगी, नहीं तो गर्म पानी बॉयल होने में वापस और फिर 5-7 मिनट लगने वाले हैं। तो हम इसको पानी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जितना आपको थिक पसंद हो ग्रेवी। अब मेरी ग्रेवी एकदम बन के रेडी हो गई है। इसके अंदर जो मैंने पनीर के जो स्लाइसेस पहले बेक करके साइड में रखे थे उनको मैं रख देने वाली हूँ। और ये हमारा पनीर पसंद का एकदम रेडी है।